गुड मॉर्निंग व्यूअर्स एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी मैं लूसन ले आया हूँ इनके लिए और अब मैं सामने लटकाऊंगा। आप देखिएगा, अभी एक भी खरगोश नज़र नहीं आ रहा। जब मैं लूसन यहाँ लाऊंगा तो बहुत सारे खरगोश आ जाएंगे जितने भी हैं, और जिनको मैंने खोला हुआ भी आप देखिएगा। तो मैं अभी लूसन यहाँ बांधता हूँ सामने। अच्छा, और साहब देखें, मैंने इसलिए ऊपर बांधा है ताकि ये जो ज़मीन पे ना लगे, गंदा ना हो, क्योंकि फिर ये पोटी भी वहीं करेंगे, पेशाब भी हुई तो फिर ये भी गंदा होगा। तो इसलिए कभी भी आप ग्रीन फूड दें स्पेशली, तो इस तरह ऊपर दें या किसी जाली पे रख के दें, ताकि अगर यूरिन करते हैं तो वो यूरिन नीचे जाए। तो अभी देखें, आप रैबिट जो आ चुके हैं और आस्ते आस्ते खाना शुरू कर दिया इन्होंने, देख रहे हो? तो इनको थोड़ा सा ये देखें, वो चार होगा, अभी एक अंदर है। तो मैं भी बच्चों को भी जाता हूँ ताकि बच्चे भी इनके साथ मौज मस्ती करें, ठीक है? छोटे बच्चों को ला रहा हूँ मैं भी। ये मैं इसको छोड़ने वाला हूँ। अच्छा, मैंने ये देखे यहाँ भी खोल के रख दिए तीनों तीनों बेबी। अब ये खुद जाएंगे वहाँ पर, आहिस्ता आहिस्ता इनको स्मेल आएगी तो खुद वहाँ जाके खाना शुरू कर देंगे, ठीक है? आप देखिएगा, देखिए अभी देखते रहें, ये सब वहीं जाएंगे। ये अभी इसको स्मेल नहीं आया, अभी सूंघ रहे हैं कि स्मेल आ कहाँ से रही है, देख रहे हैं? सब जाने वाले हैं, देखे आस्ते आस्ते पहुँच गए। बोल रहे कहाँ से आ रही है यार स्मेल, स्मेल आ कहाँ से रही है? अभी ग्रीन फूड की स्मेल इनको आ रही है, अभी जाएंगे। अबे भाई जल्दी चल ले जाओ, बड़े वाले ख़त्म ना कर दें, अभी इनको पता ही नहीं है बारात कहाँ जा रही है। ये आ गया, चलो भाई एक पहुँच गया, चलो भाई शुरू हो गया। अभी दूसरा भी जाएगा, देखें इसको भी अभी आ रही है, खुशबू आ रही है इसकी, ग्रीन फूड की खुशबू आ रही है। जा जा जा, लूसन है ना, लूसन की स्मेल बहुत तेज़ होती है, तो फ़ौरन पहुँच जाते हैं। इसको मैं इनको तो भेजना पड़ेगा, इनको तो नज़र ही नहीं आ रहा। यार ये कैसे हैं दोनों ये वाले? ये पहुंच गया, ये पहुंच गया, चलो भाई खाना शुरू, ये खाना शुरू होगा सब। यार ये वाला पता नहीं क्यों नाराज हो रहा है, मुझे लगता है इसको खुद खिलाना पड़ेगा छोटे बच्चे को। तो मुझे छोटो बच्चों के लिए इसमें डालना पड़ा, देखो ताकि वो डर रहे हो, ताकि खाए ना तो इसमें खाएंगे। देखो देखें वो खा रहा है छोटा बच्चा, कैसे प्यार से खा रहा है शौक से छोटू। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आप देख लें। तो अभी मैंने तकरीबन इनको एक हफ़्ते बाद ये ला के दिए लूसन, और ये लूसन की जो गड्डी है यहाँ पर वो अभी 10 रुपए की मिल रही है। तो ये मोटी वाली गड्डी है, एक इसमें पतली आती है 5 रुपए की। तो
तो ये मोटी वाली ला के दी 10 रुपये की। तो इससे एक पसंद का टेस्ट बन जाएगा मुँह का और ये अच्छे से खा लेंगे इसको, समझ में। ये बड़ा वाला उसके साथ चला गया भाई, ये जो बड़ा वाला खा रहा है ये मेल है यार, ये अगर आप देखें थोड़ा सा मेला हो गया। उसकी वजह ये है कि मैंने किसी को दिया था कुछ दिनों के लिए, उसका मेल लेबिट नहीं था, तो उसके से देखो उसने पता नहीं किस तरह रखा इसको, ये गंदा हो गया बेचारा। और बाकी अगर आप मेरे लेबिट देखें तो साफ है, थोड़ा ये वाला जो है मेला है, तो उसकी वजह यही है कि इसको सही से नहीं रखा गया, सफाई सुथराई से अच्छी जगह में नहीं रखा गया, मतलब जिस तरह इसको रहना चाहिए ना रेबिट को उस तरह नहीं रखा, तो इसलिए गंदा हो गया। ये तो बहुत गंदा था, अभी इसको 2-3 दिन हो गए, मेरा ख्याल 2 दिन नहीं है 1 हफ़्ता होने वाला है ला के दिए, तो थोड़ा अच्छा हो गया अभी इसका कलर, अभी साफ होता रहेगा। तो इस तरह अपने रेबिट को खिलाएं साफ़ सुथरा, और हफ्ते में एक दफ़ा ला के तो बेस्ट है भाई। हाँ ये जो ग्रीन फूड है हम उनको खिलाएं, मतलब जो फीमेल जो है, फीमेल लेबर जो है वो बच्चे दे दे, तो उनको फिर आप दबा के खिलाएं ये।